ओम शांति। गुड मॉर्निंग। आज 9 जनवरी 2024 की मुरली बाप दादा का मधुर महावाक्यों में 5 मुख्य बातें याद रखेंगे। इस पुरुषोत्तम संगम युग में पुरुषोत्तम बनने का पूरा पूरा पुरुषार्थ करो। दूसरा, तुम बच्चे बहुत बड़े व्यापारी हो, हमेशा घाटे और फायदे पर विचार करो। तीसरा, पढ़ाई पर पूरा पूरा ध्यान देना, अपनी मस्ती में रहो। चौथा, सेवा में स्नेह और सत्यता की अथॉरिटी के बैलेंस द्वारा सफलता मूर्त बनो। पांचवा, मेरे को तेरे में परिवर्तन करना, अर्थात भाग्य का अधिकार लेना। पुरुषोत्तम संगम युग, बहुत बड़े व्यापारी हो, पढ़ाई पर पूरा पूरा ध्यान देना, स्नेह और सत्यता, मेरे को तेरे में परिवर्तन। आज का चिंतन, मैं आत्मा पढ़ाई पर पूरा पूरा ध्यान देने वाले ज्योति बिंदु हूँ। मैं एक चैतन्य शक्ति आत्मा हूँ, बाप दादा का अति प्रिया अति प्यारा संतान हूँ। मैं आत्मा पुरुषोत्तम संगमयुगी श्रेष्ठ ब्राह्मण आत्मा हूँ। पुरुषोत्तम बनने के लिए पूरा पूरा पुरुषार्थ कर रहा हूँ। मैं आत्मा सदा बाबा के साथ संबंध जोड़कर जन्म जन्मांतर का भाग्य जमा करने वाले मैं बड़े से बड़े व्यापारी हूँ। मैं आत्मा पढ़ाई पर पूरा पूरा ध्यान रखेंगे। मैं आत्मा अपने मस्ती में रहेंगे। मैं आत्मा ज्योति सदा स्नेह में सेवा में सत्यता की अथॉरिटी के बैलेंस द्वारा सफलता प्राप्त करने वाले सफलता मूर्त आत्मा हूँ। मैं सेवा में स्नेह और सत्यता का बैलेंस रखेंगे, अथॉरिटी रहेंगे, सफलता मूर्त रहेंगे। मैं आत्मा सदा मेरे को तेरे में परिवर्तन करने वाले मैं भाग्यशाली आत्मा हूँ, भाग्य का अधिकारी हूँ। मैं पुरुषोत्तम संगमयुगी ब्राह्मण आत्मा हूँ। मैं आत्मा बहुत बड़े व्यापारी हूँ। मैं आत्मा पढ़ाई पर पूरा पूरा ध्यान देने वाले, स्नेह और सत्यता का बैलेंस रखने वाले, मेरे को तेरे में परिवर्तन कर भाग्य का अथॉरिटी अनुभव करने वाले मैं आत्मा ज्योति हूँ, परंधाम निवासी हूँ, अति प्यारा अति प्रिया परमात्मा शिव पिता का संतान हूँ। मैं आत्मा परमधाम में परम पिता के साथ हूँ। बाबा भी बिंदु, मैं भी बिंदु, बिंदु बाबा से अपार शक्ति अपार प्यार अपार पवित्रता अपार भाग्य का अनुभव कर रहा हूँ। बाबा से मेरे ऊपर सर्व शक्तियों का किरणें पड़ रहा है। मैं शक्तिशाली आत्मा हूँ। मैं पवित्र आत्मा हूँ। मैं शुद्ध आत्मा हूँ। मैं अति प्यारा अति प्रिया अति स्नेही आत्मा हूँ। बाप दादा का अति प्यारा सपूत बच्चा हूँ। मैं भी बिंदु, बाबा भी बिंदु। ओम शांति।